दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं YouTube चैनल नए भारी। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस चीज का हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, और दोस्तों ये कोई अपडेट जो आया है, ये ऑफिशियल अपडेट है, मतलब ये कोई ग्रुप का, कोई यूट्यूब चैनल का नहीं है। ये ऑफिशियली अपडेट हमारे पास आ चुका है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे दोस्तों। तो ये फाइनल ये अपडेट आ गया है कि मल्टी माइनिंग का समापन और फोर्स क्वाइन बाजार में प्रवेश। निकट भविष्य में हमारे समुदाय की प्रतीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण घटनाएँ है। बहुत सारे लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ओपन मार्केट में कब आएगा, ओपन मार्केट में कब आएगा, कब लॉन्च होगा, कब मल्टी माइनिंग खलास होगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द ऑफिशियली अपडेट यह है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द ही फोर्स क्वाइन खुले मार्केट में यहाँ पे प्रवेश करेगा। उससे पहले जो मल्टी माइनिंग प्रोसेस है ये बंद हो जाएगी, मल्टी माइनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी और फोर्स क्वाइन कहीं ना कहीं खुले बाजार में आने के लिए रेडी हो जाएगा। बहुत जल्द ही, मतलब कुछ दिन आप मान सकते हैं, कुछ महीने आप मान सकते हैं, ये ऑफिशियल अपडेट है और उसी को मैं आपको बताने यहाँ पे जा रहा हूँ। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग फोर्स क्वाइन मल्टी माइनिंग कब खलास होता, कब फोर्स क्वाइन ओपन मार्केट में आता, इसको लेकर काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रतीक्षा करें क्यों ना, हमने जब फोर्स क्वाइन लिया तो हम ये चाहते कि जल्द से जल्द हमारा क्वाइन मार्केट में आ जाए, और इसको लेकर बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे थे। और अभी बहुत जल्द ही हमारा ये जो हम वेटिंग कर रहे थे, हम प्रतीक्षा में थे, ये प्रतीक्षा खलास होने वाली है। तो चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, फिर से एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इसको बनाते हुए मैं अंदर से गदगद हुआ। मल्टी माइनिंग का समापन और फोर्स क्वाइन बाजार में प्रवेश, निकट भविष्य में हमारे समुदाय की प्रतीक्षा में महत्वपूर्ण घटनाएँ है। बहुखनन बंद होने का क्या मतलब है? अभी मल्टी माइनिंग बंद होने का मतलब क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बाजार व्यापार कार्यान्वयन के चरण का पहला प्रतीक है। फोर्स क्वाइन को अब मल्टी माइनिंग के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाएगा। जैसे मल्टी माइनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ से फोर्स क्वाइन को पाना ये असंभव हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मल्टी माइनिंग द्वारा हमें फोर्स क्वाइन नहीं मिलेगा। MFS के अगले चरण के साथ फोर्स क्वाइन केवल अन्य उपयोगकर्ता से ही प्राप्त किया जाएगा। मल्टी माइनिंग दोस्तों जैसे ही खलास हो जाएगा तो जिनके पास फोर्स क्वाइन है उनसे ही केवल आप ले पाएंगे, क्योंकि मल्टी माइनिंग बंद हो जाएगा तो फिर वहाँ से तो वो पॉसिबल ही नहीं मिलना, फिर कैसे मिलेगा? फिर जिनके पास फोर्स क्वाइन है उनसे ही आपको फोर्स क्वाइन मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। अगले चरण के साथ फोर्स क्वाइन केवल अन्य उपयोगकर्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है। फोर्स क्वाइन की मेटाफोर्स परिस्थिति तंत्र के भीतर और उसके बाहर व्यापक प्रयोज्यता होगी। मूल्यवान संसाधकों और उसके खनन के लिए एकीकृत गेम के साथ अध्ययन गेम MFF कार्यक्रमों की भागीदारी के लिए इसकी आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, इसके आगे की हम ये थोड़ा सा समझते हैं। फोर्स क्वाइन मेटाफोर्स पारिस्थितिक तंत्र के भीतर और उसके व्यापक प्रयोज्यता होगी। मूल्यांकन संसाधनों के खनन के लिए एकीकृत गेम के साथ अध्ययन गेम एफ कार्यक्रमों के भागीदारी के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। तो जैसे कि गेम एफ है या फिर आगे चल के टेक्टाइल है, हर जगह पे फोर्स क्वाइन लगेगा दोस्तों। फोर्स क्वाइन के बगैर मतलब प्रोजेक्ट ही रन नहीं होगा, और प्रोजेक्ट हर जगह फोर्स क्वाइन लगेगा। तो फोर्स क्वाइन मिलेगा कहाँ से? जिनके पास फोर्स क्वाइन है उनसे ही मिलेगा। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह कदम एक सभी के लिए नए अवसर खोलता है। प्रत्येक प्रतिभागियों सिक्कों के मालिक होने के लाभों का अधिकतम करने में सक्षम होंगे। महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए बने रहे मेटाफोर्स स्रोत।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ है कि बहुत जल्दी ही मल्टी माइनिंग यहाँ पे बंद हो सकता है। आसान भाषा में थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये टेक्निकल भाषा जल्दी हमें समझ में नहीं आती है। मल्टी माइनिंग प्रोसेस बंद होना मतलब यानी कि मल्टी माइनिंग द्वारा जो फोर्स कॉइन अभी खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद हो जाएगा। फिर किसी को फोर्स कॉइन अगर चाहिए तो जिनके पास फोर्स कॉइन है उनसे ही लिया जा सकता है। और आने वाले समय में गेम ऐप है या फिर जो भी हमारे प्रोजेक्ट है हर जगह फोर्स कॉइन लगेगा, तो फिर कहाँ से ले सकते हैं जिनके पास फोर्स कॉइन है। अभी धीरे धीरे चल के ये ओपन मार्केट में भी आएगा, मार्केट से भी हम ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मल्टी माइनिंग जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जिनके पास फोर्स कॉइन है उससे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि सब जितने भी मेटाफर्स की कम्युनिटी हर एक जन के पास ये न्यूज़ जानी चाहिए। और इसको लेकर डिटेल रात में आज हम लाइव भी करने वाले हैं 9:30 बजे। तो दोस्तों संडे के दिन लाइव नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी होने के कारण, कोई बात नहीं, आज रात में 9:30 बजे हम लाइव करेंगे और सभी सवालों के जवाब भी हम देंगे। दोस्तों फिर से एक बार निवेदन करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, और लाइक तो करना ही है, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, और रात में 9:30 बजे लाइव भी मिलना है। चलिए जय मेटाफर्स।